योजना चल रही है स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रपोज, इसमें हमको बच्चों को मोटिवेट करना रहता है अलग अलग प्रकार की स्कीम से, कुछ योजनाएं, प्रोजेक्ट वर्क है, फील्ड वर्क है, ये सारी चीजें कॉलेज में होती है और हम बच्चों के माध्यम से उनको मोटिवेट करने के उससे हम करवाते हैं। फील्ड वर्क हो गया, पर्यटन हो गया, फूड क्राफ्ट हो गया है, कई ऐसी चीजें। आप लोग कौन सा सब्जेक्ट से हो सारे बच्चे? समाजशास्त्र जो भी आप स्कूल में पढ़ते हो, और राजनीतिक विज्ञान है, हिंदी साहित्य है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट है स्कूल में आपके? यहाँ पे इतने सारे ये सब्जेक्ट चल रहे हैं कॉलेज में, और हमारे यहाँ पे NSS चलता है, NSS स्कूल में भी चलता है, जिसमें कि हम लोग कैंप लगाते हैं गांव में, स्वच्छता के ऊपर ले लो, ठीक है, पढ़ाई के लिए ले लो, कुछ गांव की लेडीजों को हमें कुछ वर्किंग टाइप से सिखाना है, जैसे कि हमको बेकरी सिखाना है उनको, तो हम बेकरी में कुछ मोटिवेट करेंगे। गाँव की महिलाओं को हमें पढ़ाई में सिखाना है, तो वैसे अलग अलग स्टूडेंट को हम ग्रुप वाइज डिवाइड कर देते हैं और ये सारे कैंप हमारे यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। आपका उद्देश्य है की कोई बात नहीं, आप हम सब एक हैं, हमको जरूरी है ये जानना है ना, और आप लोगों को ये पता होना चाहिए बेटा कि हम क्या करें आगे। अगर घर में आप लोग बड़े हो, ठीक है, कोई बड़ा है भी नहीं है तो हमको दिक्कत होती है सब्जेक्ट को चूज करने में। अगर कोई बड़ा है तो हमें समझ में आता है कि भैया ये कर रहे हैं, दीदी ये कर रही है, तो हम उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट में आप ही हो तो किससे पूछोगे? टीचर से ही पूछोगे ना, मेन फिर टीचर ही आते हैं, तो आपको ऐसे झिझक नहीं होना चाहिए मन में कि हम कैसे पूछे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है संस्था में, आगे आपको यहाँ आना ही है, लेकिन आप उससे पहले यहाँ भ्रमण गए हैं। देखिए, राजनगर का बहुत बड़ा सौभाग्य है तुम लोगों का, बच्चियों का खासकर, कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजनगर में महाविद्यालय की स्थापना की गई सन 2014 से। इसके पहले निश्चित रूप से बहुत से बच्चियों की पढ़ाई महाविद्यालय के अभाव में, जो बच्चियाँ सदर को नहीं जा सकती थी पढ़ने, बीच में ही छूट जाती थी, तो तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा शासन ने दी कि स्थानीय स्तर पर महाविद्यालय मिला। वर्तमान में यहाँ कला संकाय संचालित है, लेकिन निकट भविष्य में हो सकता है कि अगले ही वर्ष यहाँ साइंस भी प्रारंभ हो जाएगी। अभी आज ही हम लोग विधानसभा की जानकारी बना रहे थे तो अपने जो विधायक जी हैं माननीय विक्रम सिंह नाथिराय, उन्होंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया है इस बाबत कि यहाँ साइंस की कक्षाएँ और पीजी की कक्षाएँ प्रारंभ की जाए। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जब तक आप यहाँ आएंगे तो साइंस वाले बच्चियों को भी कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसी उम्मीद है। बच्चियों, इस साल से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है और मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है उसको महाविद्यालयों में लागू कर दिया गया है। ये शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी नई शिक्षा नीति। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सोचना है कि शिक्षा में गुणवत्ता पर परिवर्तन लाया जाए, मतलब आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो जीवन में आपके व्यवहारिक रूप से काम में आ सके, इस तरीके से शिक्षा को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है नई शिक्षा नीति में। अभी तक लास्ट ईयर तक हम लोग जो पढ़ाते थे उसमें केवल बच्चों के 3 मेन सब्जेक्ट होते थे और 1 आधार पाठ्यक्रम, आधार पाठ्यक्रम के 3 पेपर होते थे, और जो मेन सब्जेक्ट होते थे बच्चे जिनका चुनाव करते थे उनके 2 पेपर होते थे। प्रोजेक्ट वर्क वगैरह अभी कुछ भी नहीं था, व्यावसायिक शिक्षा की ओर भी रुझान नाते बराबर था। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें अब अंक सिस्टम को समाप्त करके क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है, और इस साल से बच्चों को जो अंक सूचियाँ मिलेंगी वो ग्रेड के आधार पर मिलेंगी। नई शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव ये भी है कि बच्चा जिस विषय में अपना कैरियर बनाना चाहता है उस विषय को बच्चा मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुनता है, मुख्य विषय के रूप में चुनता। दूसरा एक अच्छा, जो मेन सब्जेक्ट होता है सबसे ज़्यादा डीपली पढ़ाई पे फोकस बच्चे का मेन सब्जेक्ट पे होता है, दूसरा मेजर के अलावा एक माइनर सब्जेक्ट,
मेजर सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं लेकिन माइनर सब्जेक्ट का एक पेपर होता है और एक पेपर इलेक्टिव का होता है। मतलब बच्चा अगर आर्ट का है तो इलेक्टिव के रूप में वो साइंस का विषय भी चुन सकता है, वो कॉमर्स का विषय भी चुन सकता है। अभी थोड़ी सी इस दिशा में कठिनाइयाँ हैं क्योंकि अब जैसे बच्चा हमारे आर्ट्स का है, बच्चे ने साइंस का विषय चुन लिया इलेक्टिव में तो उसे दिक्कत होती है। लेकिन जैसे जिले के कॉलेज हैं, जैसे महाराजा कॉलेज का अपना गर्ल्स कॉलेज है जहाँ सारी फैकल्टी है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। हालांकि उसके लिए भी शासन ने व्यवस्था की है कि अगर बच्चा चुनता है तो या तो टीचर कॉलेज कहीं से प्रोवाइड कराएगा या आपको अग्रणी कॉलेज है जहाँ भी उस विषय की कक्षाएँ संचालित हैं वहाँ आपको भेज के आपके शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो ये तीन सब्जेक्ट हैं, मेजर, माइनर और इलेक्टिव की नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है। और चौथा जो विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय जोड़ा गया है, वो है वोकेशनल सब्जेक्ट, एक व्यवसायिक विषय जोड़ा गया है। उसमें मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने भी 25 विषयों की सूची जारी की। उन 25 विषयों में से स्थानीय स्तर पर जिस व्यवसायिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो वो महाविद्यालय डिसाइड कर लेता है कि हमारे क्षेत्र में, जैसे अब हम खजुराहो के समीप हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ सुविधा कर रहे हैं। तो हालांकि चार विषय हम लोगों ने चूज किए हैं, जैविक खेती और ब्यूटी उस पर भी है और चार विषय फूड एंड क्राफ्ट है। तो देखिए ये जो विषय है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चा जाता है किसी न किसी संस्थान में जिसका वो चुनाव करता है व्यवसायिक पाठ्यक्रम के रूप में, वहाँ बच्चा प्रशिक्षण प्राप्त करता है और प्रशिक्षण प्राप्त करके वो वहाँ से दक्षता प्राप्त करता है, उसके अंदर कौशल विकसित होता है, उसकी फिर मौखिकी की भी परीक्षा होती है और विश्वविद्यालय द्वारा भी आयोजित कराई जाती है। तो जब आप लगातार 3 साल व्यवसायिक पाठ्यक्रम करेंगे तो निश्चित रूप से जब तक आप फाइनल में पहुँचेंगे तो आप किसी न किसी व्यवसायिक क्षेत्र में इतने दक्ष हो चुके होंगे कि आप अपने जीवन में बेरोजगार रहने की स्थिति में नहीं। शासन की मंशा यही है कि बच्चा पढ़ने के बाद बेरोजगार न रहे। तो जब आप इसलिए फाइनल तक धीरे धीरे कौशल का विकास होगा तो आपके अंदर निश्चित रूप से इतनी दक्षता आ जाएगी कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किसी न किसी रोजगार में जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट का भी उद्देश्य है, उससे जब आप हर साल एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो तर्क वितर्क करना, निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना, इन चीज़ों की क्षमता का आपके अंदर विकास होगा। और एक